नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। कुछ वक्त पहले तक कश्मीर से पत्थरबाजी की तस्वीरें आती थी, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में अब वैसी ही तस्वीरें वहां से भले ही ना आ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से आज वही मंजर दिखाई दिया है। सड़कों पर उतरकर लोग जबरदस्त हंगामा करने लगे, पत्थर फेंकने लगे। प्रयागराज और सहारनपुर में तो प्रदर्शन के नाम पर सभी सीमाएं लांघ दी गई। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी बगैर इजाजत के सड़कों पर उतर आए, जमकर हंगामा मचाने लगे। प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा गया है। प्रयागराज में पुलिस ने एडीजी की गाड़ी को डैमेज कर दिया। प्रयागराज के डीएम पर पत्थरबाजी हुई है और ये सिचुएशन उस वक्त है जब पुलिस प्रशासन पिछले हफ्ते कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसके बाद पूरी तरह से अलर्ट पर थे। ड्रोन से छतों की निगरानी की जा रही थी। हम कल भी आपको ये बता रहे थे, मुझे याद है मास्टर स्ट्रोक में बकायदा आपके लिए एक स्टोरी तैयार की गई थी, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और तस्वीरें बताई गई थी कि मुस्तैदी पूरी है पुलिस की। ये मुस्तैदी है पुलिस की। अलग अलग शहरों में धारा 144 अब लगा दी गई, उससे पहले भी माफ कीजिएगा लगा दी गई थी, बावजूद इसके कोई असर नहीं हुआ है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जगह जगह शांति की अपील की, कोई इसका असर नहीं हुआ है। पत्थरबाजी जहां जहां हुई, नारेबाजी, देखिए नारेबाजी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये सब लोकतंत्र में असंवैधानिक नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है, आप उसके लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, पर शांतिपूर्ण होना चाहिए। अहिंसक तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन पत्थरबाजी करना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, और एक जगह से नहीं, कई छतों से पत्थर गिर रहे थे, कहीं गलियों से पत्थर गिर रहे थे। सहारनपुर में नारेबाजी, मुरादाबाद में उसके बाद लाठी चार्ज हुआ, फिरोजाबाद में प्रदर्शन, नुपुर पर शहर शहर तनाव अब साफ तौर पर दिखने लगा है और सीधे तौर पर मांग है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, क्योंकि नुपुर शर्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इसीलिए ये मुस्लिम समुदाय की तरफ से रोष, ये कहते हुए कि आप गिरफ्तार कीजिए नुपुर को। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आया इन तस्वीरों के बाद सुनिए। पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग की जा रही थी, कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको ज़रूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुज़ुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है, लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें, जो भी भाव है वो डेमोक्रेटिक रूप में जो है अपना जो विरोध बताना चाहते हैं या ज्ञापन देना चाहते हैं ज्ञापन दें, जिला प्रशासन को दें, पुलिस को दें, लेकिन अनावश्यक कहीं सड़क पर ना आए और अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने को ना दें। मैं चाहूँगा कि DGP साहब भी अपनी ओर से अपना भी बयान देना चाहेंगे। आज जुम्मे की नमाज थी, पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मैजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से, जनता के मानिंद व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत
और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। 3-4 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर सहारनपुर है, प्रयागराज है, थोड़ा प्रदर्शन फिरोजाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था। पुलिस फोर्स ने संयम एवं सख्ती के साथ इनको डील किया है, जिसकी बदौलत कहीं जनहानि नहीं हुई है। जहां पर बच्चे निकले थे उनको समझा बुझा के पूरी पुरजोर कोशिश की गई कि वो अपने घरों में लौट जाएं, लेकिन जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ABP News, आपको रखे आगे।